दोस्तों एचएससी सीईटी परीक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज की तरफ से पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। किस प्रकार से जो आप एडवांस टिकट बुकिंग करवा सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। जॉब या जॉब से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। दोस्तों एचएससी सीईटी के लिए हैंडराइटिंग के नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और 5 और 6 नवंबर को जो आपकी सीईटी की जो परीक्षा है दोस्तों, इसके लिए जो है पूरी तैयारी कर ली गई है और ये देख सकते हैं दोस्तों, सीईटी के लिए अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल जो बसें हैं उनका भी इंतज़ाम किया जाएगा और स्टेशन वह बस अड्डे पर स्थापित होंगे हेल्प डेस्क, यानी कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर और जो बस स्टैंड हैं उन पर स्पेशल हेल्प डेस्क जो है वो बनाए जाएंगे। 5 और 6 नवंबर को ग्रुप सी के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क स्थापित जो है वो किए जाएंगे। हेल्प डेस्क पर बस व रेल सेवाओं के अलावा चिकित्सा व पुलिस से भी संबंधित जानकारी रहेगी। यह हेल्प डेस्क जो है 2 शिफ्टों में कार्य करेंगे। पहली जो शिफ्ट है सुबह 5 बजे से 1 बजे तक चलेगी। दूसरी जो शिफ्ट है वो दोपहर 1 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक रहेगी। यह हेल्प डेस्क जो है लगातार 4 दिन तक रहेंगे। 4 तारीख को, 5 को, 6 को और 7 नवंबर को तक ये कार्य करेंगे। इन हेल्प डेस्क पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हरियाणा रोडवेज सिविल सर्जन कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय व रेलवे विभाग के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। डीसी यशपाल ने बताया कि मुख्य सचिव की दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं जो उपलब्ध करवाई जाएंगी। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का जो अंतर जिला आवास होगा और उनकी सुविधा को लेकर डीसी के अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी भी जो है वो गठित की जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप हरियाणा रोडवेज के लिए एडवांस बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, किसी भी बस स्टैंड पर आप ये पूछ सकते हैं 4 नवंबर, 5 नवंबर को और 6 नवंबर को, यानी कि 4 दिन जो है आपके हेल्प डेस्क जो है वो लगाए जाएंगे। और हेल्प डेस्क की जो आपको जानकारी है कब से कब मिल सकती है, 2 शिफ्टों में आपको जानकारी मिलेगी। पहली जो शिफ्ट है वो सुबह 5 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगी और जो दूसरी जो शिफ्ट है वो 1 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर आप रात्रि 9 बजे तक हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर अगर कोई भी जानकारी अपने चाहिए आने जाने के लिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। और दोस्तों हरियाणा रोडवेज एचआर के नाम से जो फेसबुक ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी आपको हर अपडेट जो है सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है हरियाणा रोडवेज से जुड़ी। और लगातार दोस्तों हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको हर अपडेट जो है सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। हरियाणा रोडवेज से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जॉब या जॉब से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।